नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के जर को गिराने वाले इंजेक्शन के बारे में, जिसे कि प्लेसेंटा भी कहा जाता है। पिछले कुछ समय से जो नए बकरी पालक है, उनकी कंप्लेन आ रही थी कि सर बकरी ने बच्चा दिया, 24 घंटे 36 घंटे हो गए, उसका जर नहीं गिरा। कई तरह के देसी इलाज कर लिए, उसके बाद भी जर नहीं गिर रहा है। पास के डॉक्टर को बुला लिया, उसने भी इलाज किया पर रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसे में क्या करें? जैसे कि हमने इस टॉपिक पर पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें कुछ देसी इलाज बताए हैं, पर हर जगह देसी इलाज काम करे या हर जगह इंग्लिश मेडिसिन काम करे ये जरूरी तो नहीं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंजेक्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाए। तो आज के वीडियो में एक सिंगल इंजेक्शन की बात करूँगा जिससे कि आप बकरी के जर को आसानी से 10 से 15 मिनट में गिरा सकते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह उसकी डिलीवरी हुई हो, बच्चे को खींचा गया हो, बच्चा फंस गया हो, किसी भी तरह डिलीवरी हुई है, वो जर आसानी से गिरेगा। अगर आपको लगता है कि इंजेक्शन की जरूरत नहीं लग रही है तो जो देसी इलाज हमने पहले बताए हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बकरी का जर बकरी के शरीर में 24 घंटे से ज़्यादा ना रहे। ऐसे में कई तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। बकरी की बच्चेदानी इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार पॉइजनिंग हो जाती है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम, मतलब जब बच्चा दिया उसके 2 महीने के बाद उसे हीट पे आना चाहिए, तो वो हीट पर नहीं आएगी। अगर हीट पे आ गई तो फिर वो रिपीट रिपीट होगी, मतलब बार बार हीट पर आएगी, तो आपकी बकरी फेल हो जाएगी, मतलब बकरी कभी कंसीव नहीं करेगी। ऐसे में आपकी बकरी बेकार हो जाएगी और वो आपको बकरी को बेचना पड़ेगा नुकसान देकर, क्योंकि बकरी जब तक बच्चा देगी तब तक अच्छी कीमत देगी, और जिस दिन बकरी ने बच्चा देना बंद कर दिया उस दिन आपकी बकरी एकदम कम से कम रेट में बिकेगी, फिर चाहे वो कितनी ही हेल्दी हो, कितनी ही खूबसूरत हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 24 घंटे से ज़्यादा जरना रहे। 24 घंटे के अंदर अगर देसी इलाज से या नॉर्मल जो एक नेचुरल तरीका होता है जो ऑटोमेटिकली जर निकल जाता है उससे अगर जर निकल रहा है, प्लेसेंटा बाहर आ जा रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज आप इंजेक्शन देख सकते हैं, इसका नाम है मेटल वेट। इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करके देखें। कई बार ऐसा हुआ है हमारे फार्म में भी कि कुछ बकरियाँ 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, वो जर नहीं डालती है, तो ऐसे में हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर आपकी बकरी 30 किलो के वजन की है तो आप उसमें 2 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 50 किलो से ऊपर की है तो आप 3 ml से लेकर 4 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई बार बकरी पालक बताते हैं कि सर बकरी ने बच्चा दिया है, 15 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, जर नहीं डाला है। ऐसे में डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसमें क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको हाथ में पॉलीथिन को लेकर या ग्लव्स पहनकर जर को खींचते हैं, मतलब प्लेसेंटा होता है उसे ज़बरदस्ती खींच कर निकालते हैं। ऐसे में कई बार बकरी की जान चली जाती है। जो डॉक्टर आता है वो तो अपना काम करके चला जाएगा, आपसे फीस भी लेकर जाएगा, पर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी बकरी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, खाना पीना कम कर देगी और वो मर जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कभी भी जर को, आपको जो प्लेसेंटा है उसे किसी डॉक्टर से या खुद से नहीं खिंचवाना है। आपको जो देसी इलाज होता है वो करें, अदरवाइज मैंने आपको जो इंजेक्शन बताया इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। इस इंजेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। अभी कुछ नया बकरी पालक है उनको भी बताया जिन्होंने देखा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। जो बकरी को 15 घंटे 20 घंटे हो चुके थे, जर नहीं डाल रही थी, डॉक्टर से खिंचवा कर भी देखा उन्होंने, पर फिर भी जर बाहर नहीं आया। ऐसे में इंजेक्शन देते ही वो जर 10 से 15 मिनट में बाहर आ गया, जिससे कि बकरी भी बच गई और बकरी की बच्चादानी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। तो यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है, जो कि डॉक्टर को बुलाकर खिंचवाना उससे बेहतर है ये, क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देसी इलाज करें, जो हमने चैनल पर बता रखा है, आप डिटेल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उससे काम नहीं बनता है तो आपको लास्ट में जाकर इंजेक्शन इस्तेमाल करना है, और इंजेक्शन आप तभी इस्तेमाल करें जबकि आपको इंजेक्शन यूज़ करना आता हो, मतलब अगर आप इंजेक्शन लगाना जानते हैं तो ही लगाएं, अदरवाइज आप पास के डॉक्टर को बुलाकर उससे इंजेक्शन लगवा लें। और यह जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर लगेगा, मतलब मांस में लगेगा, कभी आपको चमड़ी में या किसी तरह की नस में नहीं लगाना है। क्योंकि कई बार बकरी पालकों से सुनने को मिलता है कि सर इंजेक्शन आपने जो बताया था वैसा ही लगाया, उसके बाद बकरी को रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, जो जो डिटेल में मैंने बताई चीज़ें हैं वो सारी समझिए, उसके बाद ही उस इलाज को यूज़ कीजिए। हम बताते हैं कि आप मांस में इंजेक्शन लगाइए, बकरी पालक उसे चमड़ी में लगा देते हैं, आप बताइए रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो ऐसे में उस इंजेक्शन का सिर्फ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो सही रिजल्ट मिलना चाहिए बकरा बकरी को नहीं मिलेगा, और आप सोचेंगे हमने इलाज तो कर दिया पर उस इलाज से बकरी बकरी का इलाज नहीं हुआ। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि इंजेक्शन को जिस तरीके से जिस रूप से लगाने का बताया है उसी रूप से लगाएं, अदरवाइज पास के डॉक्टर को बुलाकर लगवा लें, जिससे कि वो इंजेक्शन जैसे लगना वैसा ही लगाएगा और आपका बकरा बकरी में सही रिजल्ट मिलेगा, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा।
तो दोस्तों जब भी ऐसी समस्या आए, आपको लगे कि आपकी बकरी में जर का इश्यू आ रहा है, मतलब प्लेसेंटा निकालने में समस्या हो रही है, तो आप जो देसी इलाज है वो करें और लास्ट में जाकर ये इंजेक्शन जरूर इस्तेमाल करके देखें। इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, जो कि बकरी पालक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।